और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डे से 5 शहरों के लिए नई विमान सेवा शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेवा की शुरुआत की है और इस सेवा की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया की इस नई वायु सेवा के शुभारंभ के अवसर पर भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग समेत एयर एशिया के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश शासन की ओर से अभिनंदन करता हूं। इस विमान सेवा के बाद लखनऊ से नई दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता और मुंबई तक सफर अब और आसान हो जाएगा। हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। शशांक श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। शशांक, बहुत अच्छी खुशखबरी लोगों के लिए क्योंकि यूपी में बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी होगी अब। निश्चित तौर पर काजल, यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है वो एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत देखा था वो सपना आज जमीन पर साकार होता दिख रहा। काजल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले सिर्फ और सिर्फ जो सेवाएँ थी वो 15 जगह लोग जा सकते थे, लेकिन आज वर्तमान अगर परिस्थितियों में हम आकलन करें और तुलनात्मक अध्ययन करें तो कहना गलत नहीं होगा कि पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 जगह हवाई सुविधाएँ थी, लेकिन जब से 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है लगातार सरकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और यहाँ कनेक्टिविटी, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में भी कहा है कि कनेक्टिविटी सरकार को जोड़ने का काम करता है, विकास इससे चौतरफा बढ़ता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आज जो सौगात दिया है एयर एशिया से लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो चप्पल पहनने वाले लोग अब उड़ान भर सके। तो उड़ान योजना का जो वास्तविक परिदृश्य देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जमीन पर साकार होता दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अहम योगदान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है। काजल, एक सपना साकार हो रहा है देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कनेक्टिविटी लगातार बढ़ेगी, एयर एशिया की जो उड़ान है वो यूपी के लिए भी अच्छी है और दूसरे राज्यों के लोगों के लिए भी अच्छी है। बहुत शुक्रिया शशांक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 3 बजे 3 खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।